हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके हमेशा काम की है। मैं कई बार इस स्टॉक के बारे में बता चुका हूँ, जो पूरी इंडस्ट्री में अकेला हो उस शेयर को पोर्टफोलियो में रखना कभी ना भूल है। और गलती से किसी क्वार्टर में उसके नतीजे अच्छे नहीं आए तो स्टॉक में करेक्शन आएगा, और उस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और उस शेयर में माल उठाने की कोशिश करके जमा करते रहें। और इंडस्ट्री में तो अकेला है, लेकिन साथ में आपको फ्यूचर दिखना चाहिए कि हाँ भाई, इस स्टॉक का फ्यूचर भी कुछ है। आपको विजन दिख रहा है कि हाँ, ये स्टॉक आगे आने वाले टाइम पे अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अकेला है, इसी का बोलबाला रहने वाला है। ऐसा ही एक शेयर आप देखिए, अभी नवंबर के टाइम फ्रेम में आईपीओ आया था और अकेला है, देखते देखते आपके पैसे को 3 गुना से भी कहीं ऊपर कर दिया। लेकिन मैं कहूँगा अभी तो बस शुरुआत है, दिस इज द स्टार्टिंग जर्नी ऑफ द स्टॉक। अब जब ये जर्नी के अभी कभी 2-3-4 सालों में ही आप इसको देखना, इसके असली रंग तब दिखेंगे। अभी नहीं दिखेंगे आपको, असली रंग 2-3-4 सालों में दिखेंगे, क्योंकि जो फ्यूचर विजन दिख रहा है वो क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। अब इस स्टॉक को देखते हैं छोटे से वीडियो में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपने अब तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ IRCTC की। जरा सोचिए, रेलवेज के बारे में सोचिए। मैं कहूँगा आप फ्यूचर को देखिए, आज की डेट में रेलवे की जो हालत है उसको देखिए। आज की डेट में रेलवे, मैं कहूँगा इंडिया में जो अंडर डेवलप्ड थिंग है, दिस रेलवे इज स्टिल अंडर डेवलप्ड एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज डूइंग प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ऑलरेडी डन प्राइवेटाइजेशन इन RVNL, कुछ परसेंटेज शेयर्स बेच दिए गए हैं, राइट्स, उसके बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विसेज, इसमें भी कुछ शेयर्स अभी निकाले हैं। तो इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है। इवन IRCTC इज रनिंग प्राइवेट ट्रेन्स ऑन ऑल द ट्रैक्स। अभी दूसरी स्टार्ट हुई है जो अहमदाबाद टू मुंबई जो स्टार्ट हुई है अभी, और इस तरीके से पहली जो अभी तेजस एक्सप्रेस जो स्टार्ट हुई थी, अभी सेकंड तेजस एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी। मैं ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसका फ्यूचर, द प्राइवेट ट्रेन्स ऑलरेडी स्टार्टेड रनिंग एंड IRCTC डिस्प्लेज यू द प्रॉफिट ऑफ 70 लाख फॉर अ ट्रेन इन अ सिंगल मंथ। इफ एंड जो अभी प्लान आया था कि आपको 150 ऐसी ट्रेन्स, अभी जो इनका फोकस है अगले कुछ 1-2 सालों के अंदर 150 ऐसी ट्रेन्स चलानी है, प्राइवेट ट्रेन्स। एंड सपोज देखिए, 150 ऐसी ट्रेन जब चलेंगी, और IRCTC इज द ओनली, द मोनोपोली ऑफ IRCTC इज दिस, दिस इज द ओनली स्टॉक, दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच विल लुक आफ्टर ऑल द टिकटिंग थिंग्स एंड द केटरिंग थिंग्स इन दिस रेलवे, इन दिस रेलवे, इन प्राइवेट रेलवेज। तो मुझे लगता है कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, जीरो डेट का स्टॉक, प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी 13% दिख रहा है वो बढ़ने वाला है। और साथ के साथ दूसरी चीज़ क्या आपने नोट करी, रिफंड कैंसिलेशन, दोज एक्टिविटीज विच वर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ कस्टमर पेशेंस, विच आर इम्प्रूविंग, दीज थिंग्स आर इम्प्रूविंग अ लॉट, दिस मीन्स अ लॉट फॉर दिस स्टॉक एज वेल। आप अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट ट्रेडिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग, मैं कहूँगा इन्वेस्ट मीन्स यू आर जस्ट पुटिंग मनी एंड putting in for 5 year, 3 year, although you can say it as a long term position, you can say, but positional trading, swing trading में आप क्या करते हो कि stock को नीचे level पर देखते हो, खरीदते हो, ऊपर level पर बेच देते हो, but for investment you are just putting your money in a business and you are, अब देखिए business, देखिए IRCTC का business आपको पता है, this is a monopoly, it's a moat kind of stock, बिल्कुल moat है भाई इसका, जैसे कहते हैं ना वॉरेन बफे वाला स्टॉक। अभी इससे पहले अगर मैं बात करूं तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज मुझे कुछ ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि हाँ, जिसकी मोनोपोली है, क्योंकि एडहेसिव सेगमेंट में ऐसा कोई प्लेयर था नहीं, वो एक अकेला स्टॉक था जो अपनी इंडस्ट्री का लीडर था। आज की डेट में बहुत सारे छोटे प्लेयर जैसे एस्ट्रल पॉलिटेक काइंड ऑफ आ चुके हैं, जो एस्ट्रल पॉलिटेक एडहेसिव में भी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स आ चुके हैं। लेकिन अभी IRCTC में क्या ऐसा कोई प्लेयर है? क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी किसी प्लेयर को कि हाँ भाई, आप हमारी ट्रेन की टिकटिंग आप करो, प्राइवेट ट्रेन की? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि
यहाँ पे जिस तरीके से जो टिकटिंग है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट चाहेगी और वो IRCTC है, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक काफ़ी अच्छा गेन करने वाला है। फिलहाल आप देखिए, IPO में जब आया था, जब IPO इसका हुआ था, तब आपको 310 रुपये में मिला था, रिटेल इन्वेस्टर को, एज अ रिटेल इन्वेस्टर 310 में मिला था, लेकिन आज की डेट में 5% का उछाल देखने को मिला। इसीलिए मैं दोबारा से इस स्टॉक को आपके लिए लेके आया हूँ, और आप देखिए क्लियर कट 23% की डिलीवरी है, लेकिन 1060 के लेवल पर जा चुका है, बिल्कुल नया हाई इसने आज बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। और हाई बनाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अब भाई जब स्टॉक जंप करेगा तो जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जैसे प्रभुदास लीलाधर जी ने इसको बाय रेटिंग दे दी है, बोला 33% अपसाइड इसमें और है, लेकिन हमको लगता है भाई 33% वाला शेयर नहीं है ये, इसका टारगेट प्राइस 1340 दिया है, हमको लगता है भाई ये 1340 नहीं, ये 2000 3000 4000 पार जाएगा कुछ कुछ ही टाइम फ्रेम में रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, कभी किसी क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता स्टॉक का, तो वो आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे माना जा रहा है कि भाई रिजल्ट तो अच्छा आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जरा इंतज़ार कीजिए उन 150 प्राइवेट ट्रेन्स के चलने का, और जो आपके स्टॉक को ज़बरदस्त उछाल लेके दे सकती है, और भी उछाल देख सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो इसके चार्ट को, अब इसमें हम देखेंगे, आपको अगर कुछ ही टाइम फ्रेम का डाटा है, क्या एनालाइज करोगे भाई, कुछ ही टाइम फ्रेम का डाटा है तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करेंगे। ये देखिए, अक्टूबर में एंट्री मारी थी, स्टॉक लिस्ट होते ही 620 625 के आसपास लिस्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसी दिन इसको बेच दिया था, लेकिन जो समझदार लोग थे, जो खरीदार लोग थे, उन्होंने खरीदा, और ये चौथा महीना लगातार, इस फोर्थ मंथ में बड़ी जंप। अब आप देख सकते हो कि 2 महीने थोड़ा सा हल्का रहा, अप डाउन चलता रहा, लेकिन अब फिर से जंप स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से कंसोलिडेशन इसमें कुछ वीक्स में हुई, ये वीकली चार्ट है, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डेली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं। अब क्रिटिकल पॉइंट देखिए, क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी क्रिटिकल पॉइंट दिखते हैं। अब ये देखिए, जंप हुआ जब स्टार्टिंग में इसने 24 अक्टूबर को पीक बनाया था, ऑलमोस्ट जो पीक बना था वो ऑलमोस्ट 953 के लेवल पे था, फिर करेक्शन हुआ, फिर से पीक बना और एक नया पीक बना, वो बना 980 के लेवल का, फिर करेक्शन होता है, और करेक्शन के बाद जो इसका बेस था, उस बेस की रेंज, यानी कि जो ये आप देख पा रहे हो 24 अक्टूबर की जो लोअर कैंडल थी ना, उसी के आसपास का बेस का रेंज था, यानी कि 860 के रेंज में इसने बॉटम 2 बार इसने टच किया है, नो डाउट, उसके बाद जंप आया। अब देखिए इस पॉइंट को देखें, जो जंप आता है, जंप कुछ इस तरीके से आता है, कंसोलिडेशन हुआ, इसको मैं कहूँगा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई, लेकिन रेंज बाउंड ट्रेडिंग जो थी 980 का जो लेवल था वो पार होना इंपॉर्टेंट फैक्टर था, और वो पार हुआ है। जो लोग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट पोजीशंस को यूज़ करते हैं, उन्होंने स्टॉक में 15 जनवरी को ब्रेकआउट के बाद एंट्री जरूर मारी होगी, और देखिए 980 के लेवल से ये स्टॉक 1028 के लेवल तक जरूर गया, फिर वापस करेक्शन होता है, करेक्शन होने के बाद फिर से 980 का सपोर्ट लेता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, इतना छोटा सा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना काम आ रहा है। देखिए प्रायर रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, 980 के रेंज में सपोर्ट का काम किया, उसके बाद स्टॉक क्या रैली आई, आज की डेट में जबरदस्त जंप। अब चलता हूँ मैं आवरली पे, आपको क्लियर पिक्चर दिखाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। आवरली पे आप देखिए, वो जोन, जो जोन ये था, जो पहले, अभी मैं कहूँगा कि 20 जनवरी का हमारे पास जो डाटा था, जब पीक बनाया था इसने 1027 के लेवल का, वो कैसे पार हुआ, वो क्या पार हुआ, आज भी अगर कोई ब्रेकआउट प्ले कर रहा होता आवरली के चार्ट में, वो आप देखिए क्लियर कट उसने 1027 के लेवल पे इसको खरीदा होता, डेफिनेटली 1027 के लेवल पे ब्रेकआउट आते ही उसने इसको बाई किया होता यहाँ पे, और बाई करते ही देखिए कहाँ तक ये स्टॉक गया। और मुझे लगता है कि आज की डेट में जो लास्ट के 2 घंटे की कैंडल है, एंड यू कैन सी ऑन द चार्ट देयर इज नो अपर शेडो एंड लोअर शेडो इन दिस, इन दीज टू कैंडल्स, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स दैट बायर इज सो मच एक्टिव, कोई सेलर है ही नहीं, ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर कट पिक्चर दिख रही है, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर यहाँ पे ये देखने को मिली है। इवन आज का जो क्लोजिंग प्राइस, अब जरा ध्यान दें, आज का क्लोजिंग प्राइस इसका था 1048, लेकिन लास्ट प्राइस जो दिख रहा है एडजस्टमेंट होने के बाद वो 51059, 10 रुपये ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस से 10 रुपये ऊपर जो है प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव। आप देख पा रहे हो क्लियर कट, ये चीज़ें देखिए जरा समझिए, और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट आना 1027 के लेवल को आवरली बेसिस पे, बहुत ही बढ़िया जंप। अब मैं बात करता हूँ जो कंसोलिडेशन इसकी चली थी, उसके बाद आप देखिए इसको कहते हैं, देखिए ये बॉटम पॉइंट इसने जो 860 के लेवल का बनाया, उसके बाद आप आवरली चार्ट पे जरा देखें, पहला जो रेंज हमारा था 900 की रेंज को इसने पार किया, कंसोलिडेशन दिखाई, इसके बाद फिर जंप हुआ, फिर एक बड़ा करेक्शन इसमें आया, और उसके बाद फिर से जंप, अरे वाह, जंप आने के बाद जब ये स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ तो 50 आवर्स का जो
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको टच करने के बाद वापस शेयर में रैली देखने को मिली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये शेयर ऐसे कोई पोजिशनल ट्रेडर वाला ट्रेडिंग वाला अभी नहीं है, मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तभी ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोनोपोली है। अब आप खुद सोचिए, अपनी व्यू जरूर बताएं आरसीटीसी के शेयर में। फिलहाल आज अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 5% का जंप, और इसीलिए आपके साथ शेयर किया। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हो आईपीओ से लेकर अब तक, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।